पकड़ दी काय को है, पकड़ने नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, तो वही सूट कर देने चाहिए। कल से रोटी नहीं खाई, आज डेढ़ रोटी खाई मैंने, मेरी मिसेज ने तो रोटी भी नहीं चखी है। मैंने तो कोई सिखाया नहीं उसको, मैंने कोई पढ़ाया नहीं उसको, ना मेरे को मालूम था कि ऐसा करेगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी जगह अगर मैं होता तो गुनाह कबूल कर लेता और मर जाता। बच्चा मेरा हो या किसी और का, इस प्रकार के गुनाह करने वालों को फांसी दे देनी चाहिए और गोली मार देनी चाहिए। हम लोग शर्म के मारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये शब्द उस पिता के हैं जिसके बेटे ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। हम आपको बताएंगे कि पिता कैसे रोते हुए बिलखते हुए निष्पक्ष होकर अपने बेटे को फांसी की सजा दिलवाने की बात कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पिता कह रहे हैं, बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती थी, मेरी बच्ची होती तो मैं क्या कहता, यही कहता कि उस आरोपी को फांसी दे दो, गोली मार दो। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि मेरे बेटे को फांसी की सजा दे दो, उसे गोली मार दो। और अगर उसने करा है तो उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा बच्चा हो या वो किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती थी, मेरी बच्ची होती तो मैं क्या कहता, फांसी दे दो उसको, मार दो गोली, यही बोलता और क्या बोलता, यही बोलता ना। बच्ची के साथ में क्या बीती, उसके माँ बाप के साथ में क्या बीती, क्या कर सकते हैं, यही बोलेंगे कि भैया इसको फांसी मिलनी चाहिए इसको, और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। पुलिस पकड़ती काय को है, पकड़ने नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, तो वही सूट कर देने चाहिए। मालूम है ये अपराधी है तो इसको मार रखना ही नहीं चाहिए इसको। हमारा तो यही कहना है, सब और कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं। मैंने तो कोई सिखाया नहीं उसको, मैंने कोई पढ़ाया नहीं उसको, ना मेरे को मालूम था कि ये ऐसा करेगा। अब करा है तो भैया सजा तो भरना पड़ेगी, हमने नहीं करा फिर भी हमको सजा मिल रही है। आज तुमने करा या नहीं करा, आज उनको तो मुँह छुपाने तरीके से गए, किसी से बात करने के नहीं, कहीं जाने के लिए दूध लेने नहीं गया मैं आज, शर्म के मारी क्यों, 10 जनों में मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, गाड़ी भी नहीं चलाई मैंने आज, घर पे बैठा। कल से रोटी नहीं खाई, आज डेढ़ रोटी खाई मैंने, मेरी मिसेज ने तो रोटी भी नहीं चखी है। हम बहुत परेशान हैं, कल से बहुत हो रहा है, हमको बहुत परेशान है भाई साहब, हम बहुत ज़्यादा परेशान, हम कह नहीं सकते क्या करूँ, बाकी मैं मरूँ क्या, मैं इनको मार दूँ क्या करूँ, बताओ आप। अब सवाल ये उठता है कि जब एक पिता अपने बेटे के खिलाफ ऐसा बयान दे सकते हैं तो फिर आखिर हमारी सरकार क्या कर रही है, क्यों हमारी सरकार इन आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाती, क्यों इन आरोपियों को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाती, क्यों इन आरोपियों की हिम्मत को और बढ़ावा देने का काम कर रही है। मणिपुर की वो एक घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, प्रतापगढ़ की वो घटना जिसने पूरे राजस्थान का सर शर्म से झुका दिया था, और उसके बाद महाकाल की नगरी से आई ये खबर जिसे फिर से सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर कब तक हमारी सरकार आंखें बंद कर बैठी रहेगी, और कब तक हमारे देश की बेटियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब आप सोचिए, जब उस आरोपी के पिता का ये हाल है तो उस पीड़ित बच्ची और उसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। नमस्कार।